अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ दुनिया के सबसे लंबे इंसान आलम चना की कदावर ज़िंदगी के मुतालिक। दोस्तों आलम चना की पैदाइश 2 जुलाई 1953 को सिंध के शहर सेहवन शरीफ में हुई। आलम चना सिंधी ख़ानदान से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कोई आला तैलीम हासिल नहीं की। दोस्तों आलम चना और इनकी फैमिली कलंदर लाल की मज़ार पर मामूली मुलाजमीन थे। आलम चना ने अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी सेवन में गुजारी। दोस्तों आलम चना के ज़िम्मे सेवन के कुछ हिस्सों को साफ रखना था। आलम चना की 1990 में शादी कराई गई और अल्लाह के करम से इन्हें बेटा अता हुआ। व्यूअर्स सदियों से लाल शाहबाज के उर्स के मौके पर धूमधाम से मेला लगाया जाता है। इसी तरह 1978 में सालाना उर्स के मौके पर किसी एक सर्कस के मालिक ने आलम चना को सर्कस मुलाजमत की पेशकश की। सर्कस ने आलम चना को मकामी स्टार में तब्दील कर दिया। उन्होंने सर्कस के साथ पाकिस्तान के हर कोने में सफर किया। उस दौरान 1981 में एक शख्स ने आलम चना को सर्कस में देखकर गिनस बुक ऑफ वर्ल्ड के एडिटर को खत लिखा। खत के साथ उन्होंने आलम चना की कुछ तस्वीर भी भेजी जो उन्होंने सर्कस में खींची। इसी तरह कुछ महीनों बाद गिनस बुक ऑफ वर्ल्ड के अफसरान सिंध के शहर कराची आए और वहां से सेवन पहुंचे, जहां उन्होंने आलम चना से मुलाकात की और इनका कद मापा। व्यूअर्स उस वक्त इनका कद 7 फुट 7 इंच मापा गया था। बर्तानिया वापसी पर उन्होंने आलम चना का नाम दुनिया के सबसे लंबे कद रखने वाले इंसान के तौर पर दर्ज कर लिया। ये खबर सबसे पहले मकामी सिंधी अखबार ने शाया की। उसके बाद बड़ी तादाद में अंग्रेजी और उर्दू अखबार ने इस खबर को शाया किया। व्यूअर्स रातों रात आलम चना एक मशहूर नाम हो गया था। वो जहां जाते मीडिया नुमाइंदगान और तमाशाई उनका पीछा करते जाते थे। उसे जिस अंदाज से शोहरत मिल रही थी वो उससे परेशान होकर सर्कस छोड़ दिया और फिर से मजार पर मामूली मुलाजमत शुरू कर दी। व्यूअर्स आपको बताऊं कि आलम चना को मुख्तलिफ ममलकों की दावत मिलना शुरू हो गई थी। उन्होंने कई इनामात भी अपने नाम किए। दोस्तों 1998 में इनकी तबीयत खराब होना शुरू हो गई थी और वो अक्सर मायूस नजर आते थे, जिसके बाद हुकूमत ने इन्हें इलाज के सिलसिले में अमेरिका भेजने का फैसला किया, मगर उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी। 1998 में अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क के निजी अस्पताल में जल्द वफात पा गए। उस वक्त आलम चना की उम्र 45 बरस थी। दोस्तों आज की थी ये वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। Thank you.